नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ में आपका स्वागत है। न्यूज़ ब्यूरो से मैं निखिल। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बदमाशों ने बैंक में घुसकर 13 लाख रुपए डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। घटना शहर के भगवानपुर चौक स्थित बैंक ऑफ इंडिया में लूट हुई। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। बैंक के अंदर मौजूद ग्राहकों से भी 60,000 रुपये लूट लिए। कस्टमर का पैसा गिन रहे थे, गार्ड को मार रहा था, गार्ड चिल्लाए तो देखे तो 3-4 आदमी इधर आओ, इधर रुक किया, बोला जल्दी निकाल पैसा, जल्दी निकाल। साइरन बजाने का भी टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं, मार देंगे बोली। सतैले था क्या, कितने की संख्या में था? तीन आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। तीन आदमी था। कितना कैश ले गया? कैश 11 लाख ले गया, गोल्ड से भीतर से 3 लाख रहा होगा। ऊपर कस्टमर से भी ले गया? कस्टमर का भी। मारपीट भी किया गया सर आपके साथ? नहीं, मारपीट नहीं किया, गाली गलौज। कितने संख्या में था सर? तीन आदमी हम देखे हैं, पता नहीं कितना था। चेहरा ढके हुए था? हाँ, चेहरा ढके, हेलमेट पहने हुआ था। बोल्ट से कितना ले गया सर? हैं, बोल्ट से 11 लाख। और ऐसे और बाहर से? बाहर से वही 2-3 लाख। उनमें से कितने के पास हथियार था? सबके पास। कितने अपराधी थे टोटल? हम तीन देखे हैं, आगे नहीं देखे। क्या नाम आपका? सत्यनारायण राम। लूट की घटना हुई है, अरे कितना पैसा का लूटा गया है? अभी अपने हैश टोटल कर रहे हैं, जैसे हैश टोटल कर देंगे आप लोगों को हम लोग बता देंगे कितने पैसे की लूट हुई है। कितने की संख्या में अपराधी बताए? 4 की संख्या में, 2 मोटरसाइकिल से अपराधी आए थे, लूट कर घटना का अंजाम दिए हैं, उसके बाद भाग गए। हथियार से लैस थे? हथियार से लैस। अब यहाँ मोबाइल सामने आई है, बाहर में हवाई खड़ी, उसकी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अब आधार में भी फायरिंग की बात आई है। ये कब की वारदात है? बस अभी से कुछ देर पहले की घटना है। राशि क्लियर? राशि अभी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर होगा आपको बता दिया जाएगा।